चलिए, आज के क्लास कंसेप्ट में हम पिछली जो हमारी बेसिक एंट्रीज थी उनके आगे की एंट्रीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने पांच एंट्री बेसिक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किया था टेली के अंतर्गत। आपको कंप्लीट टेली सीखने के लिए सारे वीडियो वन बाय वन देखना है, और वन बाय वन वीडियो पाने के लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसका हमने पिछले क्लासेस में भी जिक्र किया है कि इसका फीस मात्र 1500 रुपये है पूरे टैली का, और ये सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम मान के चलेगा, क्योंकि एक बार आप मेंबर बन जाते हैं तो उस ग्रुप से एग्जिट नहीं किया जाएगा जो हमारे ऐप पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसमें टेली प्लस एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में हम क्या सिखाते हैं ये हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, जो पुराने वीडियो कंसेप्ट है उससे भी और नया, क्योंकि हमारा हमेशा ही कंसेप्ट रहा है कि नए नए और नए स्ट्रक्चर के साथ में चलना। आज से 5 साल पहले जिन स्टूडेंट ने किया वो यदि दोबारा आके पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सर पूरा नया पढ़ाने लगे, आपने हमें ये सब क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि उस समय ये स्ट्रक्चर नहीं था। एक समय में ऑफिस 2007 चला करता था, इसके बाद 2010 आ गया, 13 आ गया, 16 आ गया, 19 आ गया, 21 जनरेशन में है। अब हम ये कह दें कि 2007 के समय में हम 2013 पढ़ा दें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अपडेशन, न्यू मार्केट, प्रकृति का भी परिवर्तन भी प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति में परिवर्तन होता है तो समाज में मार्केट में होना ही है। नए अपडेट आते जाते हैं, नए एप्लीकेशन आते जाते हैं, नए हार्डवेयर आते जाते हैं, तो नए के साथ में फिर नए कंसेप्ट भी आएंगे ही आएंगे जो हमारे काम को और आसान करते हैं। लेकिन जितना हमारे काम को आसान करते हैं उतना ही कहीं ना कहीं ये कई प्रकार की फंक्शनैलिटियों से भरे पड़े होते हैं। आप हर सब्जेक्ट की गहराइयों तक जाएं, बहुत उपयोगी है। स्टूडेंट ये कह देते हैं कि यार एक कंप्यूटर की कहीं आवश्यकता नहीं लगती है, आजकल पटवारी में तो मांगते ही नहीं है। एक पटवारी नहीं है भाई, उससे बाहर निकलू, पटवारी के अलावा भी दुनिया है, बहुत कुछ कंप्यूटर में है। कंप्यूटर के बिना बैंक में ऑपरेटर संभव नहीं है। अब बैंक वालों का कहना है, और सही भी कहना है, बैंक में कंप्यूटर की आवश्यकता डिप्लोमा के रूप में नहीं लगती, नॉलेज के रूप में 100% लगती है। डिप्लोमा इसलिए लगती है क्योंकि जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है वो एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है और बहुत महंगा है। बैंकिंग के सॉफ्टवेयर की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बैंक का सॉफ्टवेयर जो करोड़ों रुपए का है वो परचेज करके हम ट्रेनिंग दे दें या एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे दे, पॉसिबल नहीं। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक एजेंसी होती है, जब बैंक के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग उस कंपनी द्वारा जिसका टाइजअप है उस ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलरली जिसको काम दिया गया है वो ट्रेनिंग देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आपको कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता नहीं। वो ट्रेनिंग किसकी देते हैं, वो उस सॉफ्टवेयर की देते हैं जो बैंकिंग में काम आने वाला है। लेकिन वहां पर आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये आवश्यकता लगती ही लगती है। ऐसी शायद ही कोई बैंक होगी जहां एक्सेल का यूज न होता, शायद ही हो, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में पूरा कैलकुलेशन है, सॉफ्टवेयर अपनी जगह काम करता है, लेकिन कई फंक्शंस हैं, कई प्रकार के वर्किंग क्राइटेरियाज हैं जिनमें एक्सेल की आवश्यकता मैंडेटरी आपको लगती है, वर्ड की आवश्यकता लगती है, पावर पॉइंट की आवश्यकता लगती है, प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी की आवश्यकता कई मामलों में लगती है, अकाउंटिंग बिल्कुल लगती है, बैंकिंग में अकाउंटिंग है आपका तो बहुत बेनिफिट वाला मामला है। तो ऐसा कोई कोई पर्टिकुलर दायरा नहीं है कि किस क्षेत्र में नहीं लगती, सब जगह कंप्यूटर मैंडेटरी है, इस बात को ध्यान में रखें और फिर सीखें। और हम डिप्लोमा ही नहीं कराते, हम कंप्लीट एजुकेशन देते हैं। हमारा कंसेप्ट है चाहे आप एमएस ऑफिस ले लो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, विंडोज के सारे कंसेप्ट जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो खुद बोलते हैं नहीं सर बिल्कुल ये जरूरत है,
छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जिनके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए फिलहाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि चाहे ऑफिस हो, विंडोज हो, टैली हो, कॉलरा हो, HTML हो, वो भी .NET हो, जो सिलेबस में है DCPG से वही, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हमारे हैं जो हम एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड करवाते हैं। यानी वर्किंग में क्या है, किसकी हमें डिमांड लगती है, किनका जो नीड है, खासतौर डिमांड नहीं कहेंगे नीड है, वो हम यहाँ पर करवाते हैं और उसकी फंक्शनलिटी भी समझाते कि ये कैसे काम करेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिलने वाला है उसमें टेली कंप्लीट मिलेगा, जिसका हम 1x1 कंटिन्यू आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं, प्लस एडवांस एक्सेल, और सबके लिए लिंकअप जरूरी है, 1x1 प्रैक्टिकल से जरूरी है, घर बैठे आप बखूबी इसको सीख सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन इन सब के लिए एक रुचि बहुत जरूरी है। आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा सब्जेक्ट में, तब तक फिर आप चाहे क्लास यहाँ पढ़े या ऑनलाइन पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो थोड़ा सा आपको देखना। बाकी इसको बखूबी है, आप अपनी स्किल को डेवलप करिए, स्कोप ही स्कोप है, स्किल है तो स्कोप है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में स्किल हो, स्किल का होना जरूरी है। चलिए फिलहाल के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बार हम इसको पूरे एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए तो हमने जो पहले एंट्री किए थे उनको हम यहाँ पे आपको डिलीट करना बता देते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप डिस्प्ले में जाइए और अकाउंट बुक के अंतर्गत जाइए, तो अकाउंट बुक के अंतर्गत सारी एंट्री यहाँ पे मिलती है। डिस्प्ले में अकाउंट यानी DA करिएंगे और यहाँ पर DA करने के बाद सारी एंट्री यहाँ पर सभी आ जाएगी। इसमें सबसे पहले हम क्वांटा में चलते हैं, तो क्वांटा में हमने एक एंट्री रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर एंट्री को डिलीट कर Alt-D से डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट कर पेमेंट में जाएंगे, एंट्री को सेलेक्ट कर Alt-D प्रेस करेंगे, ये पेमेंट की एंट्री डिलीट हो गया है हमारा। इसके बाद रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ पर Alt-D प्रेस करेंगे, Y प्रेस करेंगे, डिलीट हो गया है। इसके बाद सेल रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ पर भी Alt-D प्रेस करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। परचेस में जाएंगे, Alt-D प्रेस करेंगे, एक बार और एंटर करने के बाद यहाँ दो एंट्री है, Alt-D और फिर Alt-D, ये दोनों एंट्री यहाँ पर डिलीट हो गई है, ठीक है। जनरल में कोई एंट्री नहीं किया हमने, डेबिट नॉट क्रेडिट आउट भी नहीं किया हमने, यदि हम देखें तो यहीं पर पता चल जाएगा नो वाउचर एंट्री, यानी कोई वाउचर एंट्री इसमें हमारी टैली में नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला हम कैपिटल के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विथ केस RS 2 लाख, 2 लाख रुपए से हमने 2 लाख रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया है, प्रारंभ किया है। तो इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर में जाएंगे, ये वाउचर हमारा खुला है, इसको हम वाउचर बोलेंगे। वाउचर के अंतर्गत यहाँ पर रिसिप्ट का एंट्री, जिसके लिए F6 हम प्रेस करेंगे, क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल अकाउंट कितने, 2 लाख रुपए से, तो ये 2 लाख यहाँ पर डाल दीजिए आप, एंटर करिए। पैसा बिजनेस में लगाया है, मतलब केस में आया है, जो केस है ना हमारा, उस केस में पैसा आया है, तो केस क्या होगा, डेबिट। पानी वाले को क्या करना है, डेबिट, देने वाला कौन है, कैपिटल, पूंजी खाता, तो पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। इस एंट्री को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लीजिए, ये पहली एंट्री हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। दूसरा एंट्री क्या बोलता है, डिपॉजिट इनटू SBI बैंक, बैंक में हमने जमा किया। तो देखिए, हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि बैंक की एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रा में B2B, B2C, C2B और C2C, ये चार एंट्री होगी, बैंक टू केस, केस टू बैंक, बैंक टू केस और केस टू केस, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होने वाला है, केस टू बैंक, यानी केस जमा किया बैंक में, तो केस क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट को हम सिलेक्ट किया, कितना जमा किया, 1 लाख, तो ये 1 लाख यहाँ पे डाल दो बैंक में, SBI बैंक, तो SBI में 1 लाख हो गया, 1 लाख हमारा केस में, यही दिखा देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही आप देखिए, देन Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देते हैं, ये दूसरी एंट्री हमारी पास हो गई। तीसरी एंट्री कहती है ऑफिस फर्नीचर परचेस, यानी हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारा फिक्स असेट है, स्थायी संपत्ति है। चलिए, तो इसको हमने परचेस करना है, रिकॉर्ड करेंगे हम परचेस, परचेस में जाना है, यहाँ आइटम इनवॉइस यदि आता है तो इस
को चेंज करने के, इस लेआउट को चेंज करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करें आप और एज ए वाउचर में जाएं। आगे हम आइटम इनवॉइस भी समझेंगे, अकाउंट इनवॉइस भी समझेंगे, अभी हमें वाउचर एंट्री करना है। वाउचर में गए, क्या परचेस किया हमने, केस हमने फर्नीचर किया, तो केस क्रेडिट हो रहा है, जो क्रेडिट हो रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। कितने का खरीदा है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 5,000 रुपये का। चलिए तो हम, अरे बाबा क्या हो गया, 5,000 रुपये का, तो 5,000 हम यहाँ पर डाल देते, 5,000 डाला, परचेस, ठीक है। तो परचेस गुड्स नहीं है, परचेस फर्नीचर है, तो इस परचेस को हटा दीजिए आप। जब हटा देंगे तो आपके लेजर्स आ जाएंगे यहाँ, जो ऑफिस फर्नीचर आपने लिया होगा, ये फर्नीचर अकाउंट आ गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे, 5,000 रुपये, कंट्रोल एस से एक्सेप्ट कर। तो ये एंट्री, यदि आपने पहले का प्रैक्टिकल किया है तो बखूबी आपको समझ आ जाएगा। अगला क्या कहता है, परचेज गुड फ्रॉम केस, नगद माल खरीदा, तो क्या करेंगे अब, ये इसी प्रकार की एंट्री है, परचेस में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे केस, कितने का, 8,000 रुपये का, ये 8,000 हमने डाल दिए। लेकिन अब क्या है, अब परचेस गुड्स है, तो गुड्स को हम लेंगे परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट लेने के बाद एंटर कर देना, आइटम इनवॉइस एंटर कर देना और इसको एक्सेप्ट कर देना। तो पहले वाले मामले में फिक्स एसेट लिया, तो हमने फर्नीचर लिया, फर्नीचर का अंडर ग्रुप बनेगा फिक्स एसेट, जो हमने पिछली क्लासेस में जिक्र किया था। दूसरा क्या है, गुड्स है, तो उसको लेंगे हम परचेस को परचेस अकाउंट में लेंगे, क्योंकि गुड्स खरीदा, माल खरीदा है, क्या खरीदा वो जो है कि इन्वेंट्री के अंदर आता है। अभी हम अकाउंट वाउचर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो एज ए वाउचर में हम लेंगे, अभी हम आइटम इनवॉइस नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है हमारा, सेल्स गुड फॉर कैश, नगद माल बेचा 10,000 रुपये का, तो सेल करना है, एफ एट प्रेस करेंगे, इसमें वही करेंगे कंट्रोल एच एज ए वाउचर, और कैसे बेचा, केस, तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे, डेबिट क्या होगा केस, कितने का बेचा, 10,000 रुपये का, 10,000 सेलेक्ट करेंगे, सेल्स में सेल्स आ जाएगा, ये हो जाएगा, कंट्रोल ए कर दीजिए यहाँ पे, एंटर एंटर करने की अपेक्षा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए, ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है, परचेज गुड फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा शुभम कंप्यूटर से, अभी थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है क्योंकि ये कर चुके हैं ना, पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं इनको, तो आप वहां पर, हमने वहां व्यवस्थित लेजर अंडर ग्रुप सब बनाया देखा है, अभी ये बने थे तो अभी तो हमें सिलेक्ट करना पड़ा, अंडर ग्रुप हमें बनाना ही नहीं पड़ा उसका, ठीक है ना। चलिए तो अब हमने सेल किया है, कैसे किया है, उधार किसको, शुभम कंप्यूटर, अब देखो शुभम कंप्यूटर बना हुआ आया है इसमें, तो ये वन टाइम बनाना रहता है, ये भी बता दें, कितने का माल बेचा है इनको, शायद 10,000 का, जो 8,000 में खरीदा था उसको 10,000 में हमने बेच दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 डाल देंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स में चला जाएगा, 10,000 रुपये का, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए, जो 8,000 का माल खरीदा 10,000 बेचा, यानी 2,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहां पर अपना 5,000 से, ये सॉरी 12,000 से दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 10,000 जो शुभम कंप्यूटर से माल लिया है उसका पैसा अभी नहीं लिया है, तो ये लाइबिलिटी से 10,000 और 2,000 हमारा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम केस, ये बेचा था हमने, केस परचेस किया था और सेल्स केस में ही कर दिया है, ठीक है। लेकिन हमने अभी एंट्री परचेज फ्रॉम शुभम कंप्यूटर, ये थोड़ा गलत कर दिया हमने, एंट्री हमने माल बेच दिया उसको, चलिए इस एंट्री को फिर से निकालने के लिए हम चलेंगे डिस्प्ले के अंतर्गत और अकाउंट के अंतर्गत, ये तो परचेस किया था हमने उसको, परचेस की एंट्री थी और सेल्स से में निपटा दिया उसको, समझाने में ध्यान नहीं रखा, ये परचेस की एंट्री है, क्या लिखा है, परचेस गुड फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है हमने ना कि बेचा है। चलिए तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं F9, यानी सेल्स में, तो सॉरी परचेस में, तो F9 प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर में जाएंगे, ये शुभम कंप्यूटर क्रेडिट हो गया और सेल्स नहीं लेंगे,
ऐसे कैसे में हम क्या ले लेंगे, परचेज ले लेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अच्छा है ये कंसेप्ट स्विफ्ट में आ गया कि यदि सेल की एंट्री परचेज में चलेगी, परचेज की सेल्स में चलेगी, तो क्या करें, तो उस एंट्री में जाए, वहां पर जाकर के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सेल्स की एंट्री थी परचेज में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये 10-12 हजार दिखा रहा था, चला गया 10 हजार, हमारी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, 10 हजार का माल खरीदा, प्रॉफिट हमने गलत दिखा दिया, अभी तो सेल अब सेल करेंगे। ठीक है, चलिए करते हम सेल आगे। क्या कहता है हमारा एंट्री, ये हमने सेल कर दिया है केस सेल, ये 10 हजार की एंट्री थी, लेकिन ये अगली हमारी 20 हजार की एंट्री थी, तो हमने माल खरीदा था 8 हजार में और माल को बेच दिया है 10 हजार में। ये हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसा हुआ है क्या। अब ये 10 हजार हमारे देना लाइबिलिटीज हैं सन्ड्री क्रेडिटर को, लेकिन इसके पहले हम यहां पर देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब एंटर करेंगे, एंटर किया प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो सेल्स अकाउंट 10 हजार रुपये, ग्रॉस लॉस 8 हजार रुपये, सेल से किया हमने बिल्कुल। अब ये इसलिए 8 हजार में भी दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने माल पूरा नहीं बेचा है, पूरा तो ज्यादा का खरीदा हमने, जैसे ही हम 10 हजार का भी बेच देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ग्रॉस लॉस यहाँ पे 8 हजार बता रहा ना कि 10 हजार, जबकि हमने 10 हजार बेचा, तो क्यों बता रहा है, क्योंकि 10 हजार भी हमारी लाइबिलिटी खड़ी है। अब वो जो 10 हजार का माल बेचेगा तो उसमें 2 हजार का प्रॉफिट हो गया है, अब आपका 10 हजार का माल है वो बिका नहीं है, देनदारी खड़ी है, तो उसमें से 2 हजार प्रॉफिट है, 2 हजार माइनस कर दिया तो 8 हजार ही तो बचा, इसलिए ग्रॉस लॉस दिखा रहा है। लॉस अभी हुआ नहीं है क्योंकि उतने का माल हमारे पास है, ये फाइनल नहीं है, फाइनल कब होगा, जब हम इस माल को सेल कर देंगे, यदि हम इस माल को कम में सेल करते हैं तो हमारा लॉस होगा। तो अब आगे की एंट्री क्या कहती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड कहती है हमारा सेल्स गुड फ्रॉम श्री राम मोटर्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा किसको, श्री राम मोटर्स को। चलिए तो हम यहां पर उधार माल बेच देते, वाउचर एंट्री में जाएंगे, वी प्रेस करेंगे, सेल्स पर जाएंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और यहां पर एज ए वाउचर एंट्री लेंगे। पच्चीस हमारी कहीं ना कहीं एंट्रियों में कुछ मिस्टेक हुआ है, हमने एंट्री कुछ एक बार मैच कर लेते हैं, 5 एंट्री किया हमने कि 4 एंट्री किया। सबसे पहले डिस्प्ले में अकाउंट बुक में सबसे पहले हमने रिसिप्ट का एंट्री किया था, बिल्कुल सही है, रिसिप्ट की एंट्री हमने डाल दी है। दूसरी कॉन्ट्रा किया था, बिल्कुल सही है। तीसरा हमने नगद माल खरीदा था तो वो परचेस में होगा, परचेस की एंट्री कितनी है, 3 परचेस की एंट्री है, देख लेते हैं। हाँ लेकिन ये शुभम कंप्यूटर वाली 10 हजार की नहीं है, 20 हजार की है, हमने अमाउंट ऊपर का देख लिया 20 हजार, ये रिकॉर्ड सही करना, 3 एंट्री परचेस की है, तो 25 की 3 एंट्री, एक तो हमने फर्नीचर खरीदा ये, एक गुड्स 8 हजार और 20 हजार का, ये सेल्स में हमारे पास एक ही एंट्री है। चलिए तो हम देख लेते हैं सेल्स में, क्या हमारे पास एक ही एंट्री है, सेल्स में हमारे पास एक ही एंट्री 10 हजार की, 10 हजार का माल हमने बेचा था, बिल्कुल अब सही होगा, एक एंट्री मिसमैच हो गया था, कोई बात नहीं। तो अब हम एक बार बैलेंस शीट देखें, ये 18 हजार का प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यहाँ पर दिखा रहा, वही तो 8 हजार केस है, तो 10 हजार की एंट्री कर दी, 20 हजार की हमारी लाइबिलिटी खड़ी है, नेट लॉस 18 हजार हो गया बढ़ करके 8 हजार से, क्योंकि 20 हजार का माल खरीदा था। अब जो 20 हजार का माल खरीदा ना उसको हम बेच रहे हैं, ये कहाँ पकड़ में आया, गलती हो जाती भाई यार, मिस्टेक हल्की फुल्की, ये यहाँ पकड़ में आया कि नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, सेल्स गुड फ्रॉम श्रीराम मोटर्स ऑन क्रेडिट, श्रीराम मोटर्स को उधार माल बेचा गया है कितने का, 30 हजार रुपए,
जो 20,000 में खरीदा था वो 30,000 बेच दिया लेकिन उधार बेचा है, तो ये तो डेटर्स है, देंगे हमारी एसेट्स खड़ी है, चलिए तो 30,000 का माल हम इनको सेल करते हैं। वाउचर में गए, सेल्स की एक एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, ये परचेज है, सेल्स के लिए एफ8 प्रेस किया, कंट्रोल एच किया, एज ए वाउचर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको डेबिट कौन होगा, पाने वाला कौन है, श्री राम मोटर्स, तो अल्ट सी से लेजर बनेगा, अब नहीं था बना रहे, एस एच आर आई श्री राम मोटर्स, ठीक है। क्या है ये, संडी डेटर्स, ये हमारा देनदार है, लेजर को याद कर लीजिएगा, संडी डेटर्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कितने का बेचा, 30,000 का, न्यू रेफरेंस लेंगे, एंटर करेंगे, क्या किया है सेल, तो सेल से मिल लेंगे इसको, ये सेल्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, क्लियर है, श्रीराम मोटर्स को माल बेचा है, तो श्रीराम मोटर्स से 30,000 लेना है, क्या किया है सेल, तो सेल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, श्रीराम मोटर्स डेबिट हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखो श्रीराम से लाइबिलिटीज हमारी लेनदारी निकल जाएगी, ये हमारी करेंट लाइबिलिटी 20,000 है क्योंकि जो दिया नहीं है, लेकिन श्रीराम मोटर्स को 20,000 का जो माल था वो 30,000 बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का, 2,000 का पहले का प्रॉफिट, जो माल 8,000 में खरीदा था उसको 10,000 बेचा था, टोटल प्रॉफिट 12,000, क्लियर है, तो यहां पर इस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट होगा, लेकिन करंट लाइबिलिटी भी हमारी कितनी खड़ी है, 20,000 की, क्योंकि हमने सामने वाले से जिससे माल लिया था उसको भी पैसा नहीं दिया, जिसको बेचा उसने भी हमें पैसा नहीं दिया, लेकिन हमारी लेनदारी खड़ी हो गई और देनदारी भी खड़ी है, देनदारी पहले खड़ी थी, लेनदारी बाद में खड़ी होगी क्योंकि माल हमने उसको बेच दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस शीट को बैलेंस करके चलना है, हर एक चीज को देख करके चलना है, बड़ा आसान है, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आसान है, करत करत अभ्यास से, तो करना है आपको अभ्यास, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो 12,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, अब अगली टैली, अगली एंट्री क्या कहती है, अगली एंट्री कहती है रिसीव कैश फ्रॉम श्रीराम मोटर्स ऑन एसबीआई अकाउंट, श्रीराम मोटर्स ने क्या किया कि जो उसको 30,000 हमें देने देने हमें लेना है उससे, तो उसने वाया चेक से दिया हमें, पर दिया कितना है 25,000, 5,000 अभी रख लिए बंदे ने, बोले 5,000 बाद में ले जाना, तो हमें 25,000 रुपये लेना है ऑन बैंक, यानी उसने चेक दे दिया है, तो इसकी एंट्री कैसे करें, तो चेक दे दिया है यानी हमारे पास रिसीव्ड आ गया है, ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्ट बैंक में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस एंट्री को, सही मामले में तो ये केस में होती है क्योंकि उसने चेक दिया, तो हम अपने केस बाउंसर में रख लेंगे, यदि ये बात कह दी जाए कि श्रीराम मोटर्स का चेक बैंक में जमा किया तो कंट्रा एंट्री होगी, क्योंकि आज जो चेक दिया है वो हम कैसे मान रहे हैं, वो हम मान रहे हैं कि हमें केस के रूप में हमने गले में रख लिया, तो फिर ये एंट्री कंट्रा में होगी, लेकिन आगे ऐसा नहीं दिया गया, बस सीधे सीधे अभी क्लियर कर दिया गया कि हम मान ले तो बैंक में आया है, क्योंकि चेक यहाँ रखा है पर हमारे पास यहाँ तो क्लियर होगा नहीं, वो बैंक में जाएगा, तो यदि ये सब मान लेते हैं तो फिर आप उसको डायरेक्टली बैंक में कर सकते हैं, मान ले या हुआ भी ऐसा, ये रियल में भी ऐसा ही हुआ है, तो रिसिप्ट की एंट्री है, हमने रिसिप्ट अकाउंट सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम क्रेडिट, किससे, श्री राम मोटर्स, कितने का दिया 25,000 रुपये का, 25,000 डाल दो, अगेनेस्ट रेफरेंस जो लेना था उसमें से 30,000 एंटर, यहाँ कुछ तो भी अमाउंट डाल दोगे ना तो भी दिक्कत आएगी, ये आगे नहीं बढ़ने देता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंटर, कैसे दिया ऑन बैंक, तो एसबीआई बैंक, ये 25,000, ये चेक डीडी अमाउंट पूरा डिटेल मांगता है, एंटर कर देना, ये एंट्री करो। अब देखो अब लाइबिलिटीज में कोई फर्क, 12,000 ही है, लेकिन हमारा जो यहाँ सन्डी डेटर्स के ग्रुप में खड़ा था वो खत्म हो जाएगा, सन्डी डेटर्स से अब 5,000 लेना है, ये पहले यदि अल्ट्रा एफ1 करके देखते ना तो 30,000 दिखा था, ये भी देख लें, ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, एक स्टेप आप पहले ही करके देख लें कि हाँ सर ने बोला था वो है क्या, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये भी एंट्री शायद हमारा जो लाइबिलिटीज खड़ी ना ये भी क्लियर करवा देगा टेली अगला, श्रीराम मोटर से 25,000 प्राप्त हो, पेड कैश फ्रॉम शुभम कंप्यूटर, हमने भी क्या किया, जो शुभम कंप्यूटर के 20,000 देने थे हमने 15 ही दिए बंदे को, बोले 5,000 देना हम बाद में दे देंगे आपको, कब, जब वो श्रीराम मोटर्स देगा, हो सकता है तब दे दे, ये बीच में मन बन गया तो हम उसको क्लियर कर दे, तो हमने भी 5,000 रुपये अभी रख लिए हैं, तो हम पेड कर देते, ये पेमेंट की एंट्री है, कहाँ जाएगा, पेमेंट में जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, पेड किया, आया है तो रिसिप्ट, पेमेंट किया तो पेड में,
पेमेंट में, तो हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। यह पेमेंट किसको दिया आप हमने, शुभम कंप्यूटर, ठीक है। कितना देना है देखो खड़ा है यहाँ पे, करंट बैलेंस 20,000 क्रेडिट है, हमने कितना दिया 15,000। ये 15,000 सेलेक्ट करें, यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि पहले से खड़ा है ना पेमेंट, तो अगेंस्ट रेफरेंस में हम बैलेंस को एंटर करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, केस या बैंक, केस ठीक है, देख लेते हैं केस दिया कि बैंक केस दिया। शुभम कंप्यूटर केस पेड, केस टू शुभम कंप्यूटर, तो केस दिया है ठीक है। केस हमारे पास अब कितना बचेगा, 82,000, 1,00,000 थे हमारे पास, उसमें से हमने कुछ पहले की एंट्री निपटा दी थी, अब हमारे पास कितना बचा है, 82,000 पेमेंट बचा है ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी कितनी खड़ी थी पहले, अब हमारी लाइबिलिटीज कितनी हो गई, यहां पर 5,000, 20,000 की खड़ी थी जो कितनी हो गई 5,000। प्रॉफिट लॉस पहले निकल गया, क्यों, क्योंकि माल बेच दिया, सामने वाले ने पैसा दे दिया है कुछ कुछ देने वाला, लेकिन हमारी प्रॉफिट और लॉस पी एंड एल पहले ही निकल गया है। क्या बचा अब हमारी लाइबिलिटी 5,000, तो हमारी जो है कि असेट्स भी तो 5,000 की बची ना, सन डेटर्स 5,000 देगा, हम सामने वालों को क्लियर कर देंगे, हमारा प्रॉफिट लॉस तो पहले निकल गया 12,000 रुपए का, ये देख करके चल रहा है। अगला एंट्री कहते हैं रिसीव कमीशन 1,000 रुपए, हमें कमीशन मिला। अब कमीशन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला होता, अभी हम इसको इनडायरेक्टली मान के चल रहे हैं ठीक है। चलिए कैसे करेंगे कमीशन की एंट्री, कमीशन क्या हुआ, मिला है, प्राप्ति हुई है, पैसा आया है, आया है मतलब कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में। पहले माइंड में क्लियर कर ले कि एंट्री जाएगी किसमें, तो ये जाएगी हमारी प्राप्ति के रूप में, तो ये हम लेंगे रिसिप्ट में। रिसिप्ट में गए, क्या मिला, कमीशन मिला, तो कैसे मिला, तो कमीशन अकाउंट बना लो, लेजर अल्ट सी, कमीशन अकाउंट किसमें लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्यापार को प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिंग अकाउंट मिला, तो इनडायरेक्ट, अरे एक्सपेंसेस नहीं, इनकम मिला है ना, तो इनकम कमीशन, कमीशन अकाउंट ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट, कितना मिला 1,000, कैसे मिला, केस मिला, तो 1,000 का प्रॉफिट और हो गया, देख लें 12 से 13 हो जाना चाहिए, ये 13,000 हो ठीक है। हर कंसेप्ट को लेकर चल, हर बार देख लो कहाँ के पैसे लगने हैं, हर बार यदि बैलेंस शीट या पी एंड एल देख ले तो कहाँ के पैसे लगने हैं, समझ में उतना आएगा जितना आप करोगे, जितना करोगे बार बार, कॉपी पेन से ले लें, लिखें उसको, हलवा थोड़ी ना, फटाफट निपटाया, कंसेप्ट वाइज लॉजिकली पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। टेली को बेसिक से पढ़िए आप, लॉजिकली पढ़िए, पूरा पढ़िए, प्रैक्टिकली फिजिकली मेंटली वहीं पे रहिए, किसी की जरूरत ही नहीं लगेगी आपको, हर कंसेप्ट आता जा रहा है एक के बाद एक। स्क्रीन को हल्का सा पॉज कर दीजिए, एंट्री करिए, फिर आगे बढ़ाइए, एक बार पूरा देख लो, दो बार में सिखाना होगा, सभी को सीखना होता है, जो लाइव यहाँ क्लास आते हैं वो स्टूडेंट भी यही करते हैं, बोले सर आपने तो बता दिया, हमें उस समय आ भी गया था, लेकिन जैसे ही लैब में गए वो सब चला गया, क्या करते, बोले सर वो वीडियो है ना आपकी पुरानी, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सब हेडफोन मोबाइल लेकर के बैठते हैं, हम होते हैं इसके बावजूद बैठते हैं, क्योंकि यदि उनको सबको हम हर बार रिपीट करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। 3 महीने, वो 3 महीने हैं ये जिसमें हम डेली नया करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो 3 महीने में टेली कंप्लीट होता है। यदि आप पुराना सर वो तो आया ही नहीं, वो फिर से बताओ, वो फिर से बताओ, वो फिर से बताओ, 6 महीने से कम टेली पहुंचेगा ठीक है। तो आप क्या करिए, एक बार पूरा वाच करिए, दो बार में टेली हमसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर चलते हैं अगले एंट्री और। कमीशन के बाद है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में जमा है ना उसमें 1,500 रुपए इंटरेस्ट के मिले, सेम एंट्री है, बस बैंक सेलेक्ट कर लेना। वाउचर में गए, रिसिप्ट किए, प्राप्ति हुई है, क्या है इंटरेस्ट, अल्ट सी से लेजर बना लो, इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, इनडायरेक्ट इनकम में भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर करिए, कितना मिला है 1,500 रुपए, वो डाल दीजिए, किसमें मिला, बैंक में मिला ना कि केस, तो इस बैंक से लेकर दीजिए, बैंक में जाकर के बढ़ जाएगा पैसा, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब 13,000 प्लस कितना 1,500, ये 14,500 बैलेंस शीट में जाइए,
ये 14-5। कैलकुलेशन तो करिए आप, लिख कर तो रखिए, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, हर एंट्री को दिखाते आएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना नॉर्मली, नॉर्मल तो कैलकुलेशन आपको आता है। ये 13,000 थे, 1500 और बढ़ा दो उसमें, 14,500, ये 14,500 टेली ने भी दिखा दिया। हाँ, लेकिन यदि इनकम की जगह एक्सपेंसेस डाल देंगे इसको, इंटरेस्ट का जो अंडर ग्रुप बना था ना इनडायरेक्ट इनकम, उसको आपने बोल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। कई मामले हैं इसके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या कहती है, रिसीव इंटरेस्ट के बाद बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसा तो दिया इंटरेस्ट का लेकिन बैंक चार्जेस भी निपटा दिया 500 रुपये, तो जो 14,500 थे उसमें से 500 हटा दो। चलिए करते हैं इसकी एंट्री, बैंक चार्जेस। वाउचर में गए, पेमेंट किया, किसको, बैंक को, डेबिट कौन है, बैंक, तो एक लेजर बनाओ। अब बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, अब अल्ट सी से बैंक चार्जेस बनेगा। बैंक अकाउंट और बैंक चार्जेस में अंतर है, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है वो हमारा असेट है, चार्जेस हमारा लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है। तो बैंक चार्जेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये खर्च है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए। एंटर करेंगे, पेमेंट की एंट्री है, 500 रुपये दे दो बैंक को, बैंक देगा क्या, मांगना नहीं आएगा, बैंक बैंक से ही कट जाएंगे, तो किससे दिए, एसबीआई बैंक, बैंक आपसे पूछने आएगा चार्जेस लगा, निपटा देगा वो तो, मेंटेनेंस चार्जेस तुरंत, एटीएम चार्जेस तुरंत कट, आप जाओगे बताएंगे क्या ये कटा है, पर या बैंक लेके नहीं आएगा, साहब आपसे ये बैंक चार्जेस एटीएम का काट लूं क्या, कौन कहेगा काट लूं, अरे रुको भैया अभी मत काटो, ऐसा होता तो बैंक क्या करता है, तुरंत ऑटोमेटिक खत्म, ठीक है, जो भी चार्जेस, तो बैंक चार्ज हमारा कट चुका है, पेमेंट की एंट्री हुई है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर। देखते हैं क्या ऐसा हुआ कि हमारे माइनस हो गए 500 रुपये, 14,500 थे 500 गए, ठीक, इस प्रकार से चलना चाहिए, कुछ भी एंट्री नहीं करना है, कुछ तो भी नहीं करना। बैंक चार्जेस के बाद है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, हमने अपने व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, खर्च किए 1,000 रुपये, तो क्या बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट का एक लेजर, लेकिन एंट्री कहाँ होगी, पेमेंट में, पेड किया ना, चलो वाउचर में लेजर बना लेते हैं, अल्ट सी से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिख देना, ज्यादा अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना किया 1,000, किससे किया, केस, केस से लेकर पेड केस फॉर 1,000 एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट की एंट्री है, लेकिन इसको रिसिप्ट में रिकॉर्ड, ये रिसिप्ट में हो सकती है, बहुत सारे इसको कर देते हैं, कर दो, करना नहीं है, रिसिप्ट में प्राप्ति होती है, इफेक्ट गलत होगा। देखिए 14,000 थे हमारे पास प्रॉफिट में, 13 बचे क्या, 1,500, दोनों देखो बड़ा टेली ना, 1,500 दिए, 1,500 ले लिए, 500 बैंक के चार्जेस के, 1,000 काई के एडवर्टाइजमेंट के, बचा 13,000, 14,500 कर लिए थे हमने इंटरेस्ट से, ठीक है आगे और पैसा आएगा हमारे पास, किस्मत रही तो और अच्छा व्यापार चलेगा। हर एंट्री को मिला के चलना, संडे डेटर से 5,000 लेना है याद रखना, कैश इन में 82,000 है याद रखना, बैंक में 1,26 है याद रखना, है ना, हर एक को याद रखना है, देख लेना बस, याद रखना कहा है का टैली है तो कोई याद रखना नहीं, पर समझना फिर आगे बढ़ना। चलिए एडवर्टाइजमेंट की पैड कर दी, ये एंट्री हमारी पूरी हुई, आगे की एंट्री देखते हैं क्या कहती है, आगे एंट्री कहती है परचेज गुड्स फॉर केस 10,000 रुपये, 10,000 का हमने माल खरीदा, खरीद लो, वाउचर में गए, परचेस में गए, आपके माइंड में आ गया होगा, कंट्रोल एज प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर में लेंगे, कैसे खरीदा, केस, केस सेलेक्ट करो, कितने का 10,000 का, और क्या किया परचेस, ये परचेस के ये पुराना है, किया है अपने, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दो, ये एंट्री पूरी होगी, 10,000 का माल खरीद लिया केस। अगली एंट्री क्या कहती है, सेल्स गुड फॉर केस, 15,000 बेच दिया, 5,000 का फिर प्रॉफिट पकड़ करके चलो, 13 और 5 17,000, देखते हैं इसको हम सेल करने के बाद, सेल कर दो, एफ एट प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर में जाएंगे, ठीक है, और क्या सिलेक्ट करेंगे, डेबिट, केस आया, केस
कितने? 15,000। 10 का माल खरीदा था, 15 भी बेच दिया, ये सेल्स में एंट्री हो गई 15,000। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे तो ये सेल की एंट्री होगी। सेल के होने के बाद क्या 5,000 का प्रॉफिट हुआ? 13 और 5 17 नहीं 18 हो गया, हमने गलत कर दिया, 13 थे ना, 13 और 5 18,000, ये 18,000 गलत हुआ, हमने भले 17 बोल दिए। कैलकुलेशन टेली गलत नहीं करेगा, टेली कैलकुलेशन पूरा एक्यूरेट होगा। एक-एक पैसे का हिसाब देता है, जब चाहो तब देता है। और इसमें बड़ा एक्सेप्ट करते ही सेव हो गया, उसमें सेव का मामला नहीं, कंट्रोल स्टोर का मामला, एक्सेप्ट सेव, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, अगली एंट्री क्या कहती है? अगली कहती है हमारी सैलरी पेड बाय केस 5,000, 5,000 रुपये हमने सैलरी पे किया है, ठीक है। अब हमारे प्रॉफिट तो बहुत हो गए, कुछ हमारा एक्सपेंसेस भी है, जो हमारे खर्चे हैं। क्या है खर्चे? सैलरी हमने कर्मचारी को रखा हुआ तभी तो प्रॉफिट हुआ ना, तो उसको क्या दी? सैलरी दी। कितनी दी? 5,000। 18 है, 5 माइनस कर दो, 5 अभी आए थे, 5 वापिस चले जाएंगे ये। चलिए किस में जाएगा? पेमेंट में, पेड किया ना तो पेमेंट में एंट्री कर दो, डेबिट सैलरी अकाउंट, अल्ट सी से बनाओ लेजर। सैलरी एक्सपेंसेस डीएक्सपी, किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। कितने? 5,000। कैसे दिए? केस, केस से लेकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, हो गया। अब देखो 18 माइनस 5 ये 13 बचे, ले देंगे 14, 500 से वापस 13, 13 से फिर 5, 18, 18 से वापस 13, ये माइनस हो गया। चलिए अगले एंट्री का रुख करते हैं, क्या कहता है? पेड शुभम कंप्यूटर ने एसबीआई, एसबीआई से जो 5,000 देने थे ना वो दे दिए, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा, दोनों लेने देने का काम करके ये अकाउंटिंग खत्म। कल से हम नेक्स्ट क्लासेस में हम इसका आज का टेस्ट देखेंगे, ठीक है। क्या करते हैं? शुभम कंप्यूटर को पेड कर देते हैं एसबीआई से, तो पेमेंट की एंट्री है, डेबिट हो जाएगा शुभम कंप्यूटर 5,000 रुपये, ये यहाँ भी दिखा देगा, ये डाला अगेन से फ्रेंड 5,000, एंटर एंटर वाया बैंक, तो क्या लेंगे हम? एसबीआई बैंक अकाउंट एक्सेप्ट, और लेना है तो रिसिप्ट, किससे लेना है? श्री राम मोटर्स, श्री राम मोटर्स, कितने? 5,000, ये ले दे करके मामला खत्म। कौन सा लेने देना? जो लेने देने का था वही, किस में लिए? ये बैंक में लिए, एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए ये 2,13 क्या बोल रहा है हमारा? 2,13 ये आना चाहिए तो सही है, नहीं तो मामला गड़बड़ है, रुका है। तो ये था हमारा टेस्ट फर्स्ट, नेक्स्ट सीरीज में हम टेस्ट सेकंड लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।